Hello friend, today we will see most important part of our first chapter, equivalent evaporation. So why there is a need of this equivalent evaporation, first we will see. So we have studied until now different boiler, okay, जैसे हमने अब मैं कुछ नहीं पढ़ा, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर पढ़ा, फिर कॉकरन बॉयलर पढ़ा, फिर विलॉक्स बॉयलर पढ़ा, फिर लैमंट, ठीक है ऐसे निकल दो, बैबकॉक विलकॉक्स कॉकरन लैंकेशायर बॉयलर लोकोमोटिव बॉयलर विलॉक्स बेंसॉन लैमॉन्ट लोइफ्लर, ये इतने इस टाइप के बॉयलर हमने देखे, ओके। अगर हमें अभी प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा बॉयलर अच्छा है, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ओके। लेकिन ये बॉयलर जो अभी हमने अभी 8-10 बॉयलर पढ़े, कंपेयर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि उनके सभी बाकी के पैरामीटर सेम रहे और जो कंपेयर करना सिर्फ वही वैरी हो, क्लियर। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे पास सपोज दो बाइक है, एक है होंडा की और दूसरी है बजाज की, ओके। हमें अब कंपेयर करना है कि कौन सी बाइक अच्छी है, होंडा की या बजाज की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के सीसी सेम होने चाहिए, बराबर, मतलब दोनों को सेम पेट्रोल जाएगा, ओके। दोनों का वेट सेम होना चाहिए, बाकी दोनों की जो साइज़ वगैरह वो सेम होने चाहिए। अब हम उसमें डिसाइड करेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में कौन सी गाड़ी ज़्यादा चलेगी, बजाज की या होंडा की, तो जो ज़्यादा चलेगी वो बेटर है। मतलब इस तरीके से हम बजाज और होंडा को कंपेयर कर सकते हैं, बराबर। कैसे कंपेयर किया हमने, बाकी के सब पैरामीटर सेम रखे और सिर्फ उसका माइलेज चेंज नहीं हो, माइलेज चेंज किया, ओके। इन दिस वे अगर हमें अलग अलग बॉयलर कंपेयर करने, तो वो बॉयलर तो सभी सेम नहीं है, उनमें क्या क्या डिफिकल्टी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि सबका ग्रेट साइज अलग अलग है। ग्रेट क्या रहता है कि जिसके ऊपर फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल के लिए प्लेटफॉर्म, जिसका ग्रेट ज़्यादा बड़ा रहेगा उसमें ज़्यादा फ्यूल बैठेगा, ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा तो ज़्यादा हीट मिलेगी, ओके। जिसका ग्रेट साइज छोटा रहेगा उस पर कम फ्यूल प्लेस्ड होगा, कम हीट जनरेट होगी। तो ग्रेट साइज सबकी अलग अलग है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी, दो जो स्टीम जनरेट हो रही है हर एक बॉयलर में, उसका प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग है। ज़्यादा प्रेशर स्टीम जनरेट करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। कॉकरन बॉयलर 16 बार की स्टीम प्रोड्यूस करेगा, तो वही बैबकॉक विलकॉक्स 100 बार की, तो अलग अलग पैरामीटर है सबके। और तीसरी चीज़, जो फीड वाटर हम सप्लाई कर रहे बॉयलर को, उसका टेम्परेचर हर एक बॉयलर में अलग अलग है। बैबकॉक में अलग रहेगा, विलॉक्स में अलग रहेगा, कॉकरन पर अलग रहेगा, लैंकेशायर पर अलग रहेगा। तो ये तीनों भी जो 3-4 फैक्टर है जो सबके अलग अलग है, तो हम जब तक ये तीनों को सेम नहीं करेंगे तो ये कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई वी हैव वन टर्म इक्विवेलेंट इवेपरेशन। ये प्योरली थियोरेटिकल टर्म है, ओके। इसमें हम क्या करते हैं, बॉयलर को 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर सप्लाई करते हैं और बॉयलर हमें 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम देता है हर बॉयलर। ये कैसे थियोरेटिकल कंसेप्ट है हम, और इस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट लगती है, ओके। जो कम हीट में ये करेगा वो बॉयलर अच्छा, क्लियर। तो इस तरीके से हम इमेज, दिस इज इमेजिनरी कंसेप्ट, हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि बैबकॉक भी उसी फीड टेम्परेचर का, मतलब ये सबका फीड वाटर टेम्परेचर सेम है, ओके, सबका स्टीम सेम है। एक्चुअल में कुछ भी रहने दो, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे और उससे प्रेडिक्ट करेंगे कौन सा बॉयलर अच्छा है और हम कितनी वहाँ पे फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, ओके। समझ में आ गया, हमने दो चीज़ें तो कॉन्स्टेंट कर दी, अब इसके ऊपर ही हम डिसाइड करेंगे कौन सा बॉयलर अच्छा है। समझ में आ गया। सो दिस इक्विवेलेंट इवेपरेशन इज अ इमेजिनरी टर्म है, ओके। सो व्हाट एक्चुअली इट इज,
इक्विवेलेंट इवेपरेशन मीन्स क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पर लिखा है क्वांटिटी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जनरेटेड पर टाइम पर यूनिट टाइम फ्रॉम फीड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब इक्विवेलेंट इवेपरेशन क्या है कि कितना मास स्टीम का प्रोड्यूस हो रहा है 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम का। क्लियर? तो ये कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें समझो ये हमारा कोई तो एक बॉयलर है। ओके, अब बॉयलर में स्टीम कैसे प्रोड्यूस होगी, अब हम यहाँ पे फीड वाटर सप्लाई करेंगे, फीड वाटर का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर रहेगा। ओके, और उससे हमें स्टीम मिलेगी, तो स्टीम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा। ओके, तो मैं इस यहाँ पर लिखता हूँ कि ये इसका टेम्परेचर टी एफ है, तो उसकी एंथैल्पी एच एफ है और इसकी एंथैल्पी एच स्टीम लिखता हूँ। ओके, अब इस टेम्परेचर के वाटर को इस टेम्परेचर के स्टीम में लाने के लिए हमने हीट सप्लाई की। ओके, तो कितनी हीट हमने एक्चुअल में सप्लाई की, इसकी एंथैल्पी माइनस इसकी एंथैल्पी, एच एस माइनस एच एफ। क्लियर? एक्चुअल बॉयलर ये, समझो ये कोई तो भी बैकॉक विलकॉक्स बॉयलर है जिसको हमने फीड वाटर सप्लाई किया। अगर मैं नंबर के हिसाब से दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये हमारा बैकॉक विलकॉक्स बॉयलर है, हमने यहाँ पे फीड वाटर सप्लाई किया जिसका टेम्परेचर समझो 40 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जाम्पल, और हमारी स्टीम तैयार हो गई जिसका प्रेशर 100 बार है। ओके, तो 40 डिग्री से 100 बार की स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितनी हीट सप्लाई की, यहाँ पर जो इसकी एंथैल्पी रहेगी वो और इसकी एंथैल्पी है, तो ये दोनों का डिफरेंस इतनी हीट हमने यहाँ पर सप्लाई की। ओके, अगर इतनी हीट हम उस 100 डिग्री को, इमेजिनरी कंसेप्ट को, उस 100 डिग्री सेल्सियस को देते तो उससे कितनी मास स्टीम जनरेट होगी, वो क्या है, इक्विवेलेंट इवेपरेशन। समझ में आ गया एक्चुअल को कैसे इन्होंने इमेजिनरी कंसिडर किया कि एक्चुअल में उसको कितनी हीट लग रही है, वही हीट अगर 100 डिग्री टू 100 डिग्री रहता तो कितना स्टीम जनरेट होता, दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट इवेपरेशन। क्लियर? तो यहाँ पर हमने कितनी हीट सप्लाई की, इतना, ये हमने यहाँ पर मास कंसिडर नहीं किया, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ, ये हमारा बॉयलर, हमने यहाँ पर एम के जी ऑफ वाटर सप्लाई किया और उतनी हमें हीट मिलेगी, उतना ही मास मिलेगा, तो यहाँ पर कितनी हीट हमें देनी पड़ रही है, एम इंटू एच एस माइनस एच एफ। ओके, अब हर बॉयलर की ग्रेट साइज अलग अलग है, तो हर का फ्यूल सप्लाई अलग अलग रहेगा, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि हम यहाँ पर 1 kg ही फ्यूल बर्न करेंगे, मास ऑफ फ्यूल कितना, 1 kg, तो 1 kg मास ऑफ फ्यूल से कितना मास इवेपरेट होगा उसको मैं एक नया नाम देता हूँ, एम ए। वट इज एम ए, मास ऑफ स्टीम फॉर्म पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल, मतलब 1 kg फ्यूल अगर हमने कंबशन किया तो कितना मास प्रोड्यूस होता है, दिस इज नथिंग बट एम ए। ओके, तो एक्चुअल में हम यहाँ पर कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, एम ए इंटू एच एस माइनस एच एफ। ओके, ये बात हो गई, ये हमने टोटल हीट यहाँ पर सप्लाई किया, टोटल हीट। अब देखिए हमारा करना क्या है, हमें 100 डिग्री वाटर का 100 डिग्री स्टीम में, मतलब हम सिर्फ लैटेंट हीट दे रहे हैं, बराबर, इमेजिनरी कंसेप्ट में हम सिर्फ लैटेंट हीट सप्लाई कर रहे हैं। अगर एक्चुअल में हम इतनी हीट सप्लाई करते वो अगर इस बॉयलर को दे दे तो कितनी लैटेंट हीट देने के बाद हम कितना मास मिलेगा, तो जस्ट डिवाइडेड बाय लैटेंट हीट। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताऊंगा कि समझो 1 kg स्टीम को इवेपरेट होने के लिए लैटेंट हीट लगेंगी 2200, अगर हमने 10,000 किलो जूल हीट सप्लाई किए तो इसमें से कितना वाटर इवेपरेट हो सकता है, 10,000 डिवाइडेड बाय 2257, इतना केजी वाटर इवेपरेट होगा। ओके, ये 10,000 जो मैंने एग्जांपल लिया है वो नथिंग बट ये, इतनी हीट हमने सप्लाई की
उसको हम सिर्फ लैटेंट हीट से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा इक्विवेलेंट इवेपरेशन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में जो कन्वर्ट हो रहा है वो कितना मास होगा, एम ई। ओके, तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट इवेपरेशन कितना मिला, एम ए एच एस माइनस एच एफ डिवाइडेड बाय लैटेंट हीट, ये हो गया, ये एम ई हो गया इक्विवेलेंट इवेपरेशन। ये क्या हो गया, ये एक्चुअल हीट कितनी लग रही है हमारे बॉयलर में। ओके, उतनी हीट अगर हमने इस इमेजनरी बॉयलर को दी जो 100 डिग्री का 100 डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है तो कितना मास प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए हमें उसको लैटेंट हीट से, क्योंकि हम सिर्फ लैटेंट हीट ही देने वाले उस इमेजनरी बॉयलर में, लैटेंट हीट से डिवाइड करना है तो कितने मिलेगा, एम ई। एम ई मतलब इक्विवेलेंट इवेपरेशन, मतलब कितना मास 100 डिग्री से 100 डिग्री में कन्वर्ट होता है वो। क्लियर, तो लैटेंट हीट जनरली 2257 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम ए एच एस माइनस एच एफ डिवाइडेड बाय 2257, ये एम ई। अब देखिए, एम ए मतलब जो एक्चुअल मास इवेपरेट हो रहा है अपने बॉयलर में, जो मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारा पहला था जिसमें हमने टी एफ फीड वाटर दिया था जिसका टेम्परेचर टी एफ था और हमें टी एस स्टीम मिली थी यहाँ पर एक्चुअल में, तो कितना मास यहाँ पे इवेपरेट हो रहा है, एम ए। उतनी ही हीट अब हमने हमारे इमेजिनरी बॉयलर को दी, 100 डिग्री का वाटर और 100 डिग्री का स्टीम करने के लिए हमारे पास कितनी हीट है, ये इतनी वाली, ये हीट हमने यहाँ पर दी। ओके, तो उससे कितना मास प्रोड्यूस हुआ, एम ई। तो एम ए मतलब एक्चुअल मास इवेपरेटेड इन बॉयलर, एंड एम ई बोले तो इक्विवेलेंट इवेपरेशन, ये इमेजिनरी बॉयलर में जो हमने सभी चीज़ें कंस्टेंट करके डाला है वो। जनरली ये एम ई हमेशा ज़्यादा रहता है एम ए से, ये बात ध्यान में रखो, एम ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम ए। और एम ए क्या था, एम ए था मास ऑफ स्टीम जनरेटेड अपॉन, या मास ऑफ वाटर भी बोलेंगे उसको, मास ऑफ फ्यूल। क्लियर, सो ये हो गया इक्विवेलेंट इवेपरेशन। नेक्स्ट इज बॉयलर इफिशेंसी, तो किसी भी चीज़ की इफिशेंसी हम कैसे निकालते हैं, इफिशेंसी क्या रहती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। हमारा आउटपुट क्या है, हमें जो फीड वाटर हम सप्लाई कर रहे फीड वाटर उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। ओके, उसके लिए हम हीट दे रहे, तो ये हो गया हमारा इनपुट कि हमने कितना मास फ्यूल का कंज्यूम किया तो कितनी हीट जनरेट होगी। ओके, तो अगर एम एफ फ्यूल का मास है तो यहाँ पर कितनी हीट जनरेट होगी, एम एफ इंटू सी वी कैलोरीफिक वैल्यू, इतनी हीट हमने बॉयलर को सप्लाई की, उसके बदले में बॉयलर ने फीड वाटर का टेम्परेचर यहाँ से या उसको स्टीम में कन्वर्ट कर लिया। ओके, मतलब स्टीम तक जाने के लिए हमें कितनी हीट लग रही है, स्टीम के एंथैल्पी माइनस ये एंथैल्पी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ वाटर इंटू एच एस माइनस एच एफ, इतनी हीट हमने बॉयलर में यूटिलाइज की टू कन्वर्ट ये फीड वाटर इंटू स्टीम, और उसके लिए हमने कितनी हीट सप्लाई किया, एम एफ इंटू सी वी। ओके, नाउ दिस मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ फ्यूल, इसको हम क्या लिख सकते थे, एम ए, तो ये क्या होगा, एम ए एच एस माइनस एच एफ डिवाइडेड बाय सी वी। क्लियर, सो ये हो गया इफिशेंसी ऑफ बॉयलर। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इक्विवेलेंट इवेपरेशन क्या है कि जितनी हीट एक्चुअली बॉयलर को लग रही है, यूटिलाइज कर रहा है बॉयलर, वो हीट अगर हम उस इमेजिनरी बॉयलर को देंगे जो 100 डिग्री वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करने वाला है तो कितनी स्टीम प्रोड्यूस होगी, ये हो गया इक्विवेलेंट इवेपरेशन। और इक्विवेलेंट इवेपरेशन ये हमेशा एक्चुअल इवेपरेशन से ज़्यादा रहता है। ओके, और बॉयलर की इफिशेंसी क्या रहती है कि बॉयलर को हमने कितनी हीट सप्लाई की और उसमें से कितनी हीट बॉयलर ने यूटिलाइज की वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए बॉयलर ने इतनी हीट यूटिलाइज की और हमने इतनी हीट बॉयलर को सप्लाई की थी, तो ये हो गया बॉयलर की इफिशेंसी। क्लियर, ये दो टर्म रहे बचे थे जो अभी हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिए। तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड अवर दिस फर्स्ट चैप्टर।
अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी रही तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।